हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ रेलवे परीक्षा 2018 रीजनल, जो अक्सर सभी के पेपरों में पूछे जाते हैं। ये 2021 के पेपरों में भी पूछे जाएंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला, जैसे कि किसी गाय के लिए एक बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है। ए बछड़े, बी पिल्ला, सी छोना, डी मेमेना। तो हमारा आंसर है डी मेमेना। दूसरा, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। ए आकाश, बी वायु, सी जल, डी भोजन। तो हमारा आंसर है ए आकाश। तीसरा, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ए प्रकाशन, बी संपादक, सी मुद्रक, डी पाठक। तो हमारा आंसर है बी संपादक। चौथा, मोची चमड़ा दर्जी, ए बजाज, बी कमीज, सी धागा, डी कपड़ा। तो हमारा आंसर है डी कपड़ा। पांचवा, भेंट मटन हिरन, ए मीट, बी बिल, सी फ्लैश, डी बेनिजन। तो हमारा आंसर है डी बेनिजन। पांचवा, पैसाक दर्जी बढ़ाई, ए चमड़ा, बी लकड़ी, सी फर्नीचर, डी कपड़ा। तो हमारा आंसर है सी फर्नीचर। सातवा, पुस्तक सेल्फ कपड़े, ए कार्बर्ड, बी बॉर्डराव, सी ब्यूरो, डी हैगर। तो हमारा आंसर है ए कवर्ड। आठवां, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ए पत्र, बी स्पीड पोस्ट, सी एम एस एम एस, डी मनी ऑर्डर। तो हमारा आंसर है सी एस एम एस। नौवां, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ए वर्ग फिट, बी वर्गमूल, सी वर्ग इंच, डी वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर है बी वर्गमूल। दसवां, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ए नाक, बी होठ, सी गला, डी आंखें। तो हमारा आंसर है सी गला। ग्यारहवां, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ए महासागर, बी कुआं, सी टैंक, डी झील। तो हमारा आंसर है सी टैंक। बारहवां, धन दुरुपयोग लेखन, ए धोखा, बी साहित्यिक चोरी, सी चोरी, डी अशुद्धि। तो हमारा आंसर है बी साहित्यिक चोरी। तेरहवां, समाचार पत्र पाठक रोटी, ए बेकार, बी उपभोक्ता, सी खरीदारी, डी गेहूं। आंसर है बी उपभोक्ता। चौदहवां, आशीर्वादी प्रसन्न निराशवादी, ए स्वार्थी, बी निष्कृष्ट, सी उदास, डी नागयण। तो आंसर है सी उदास। पंद्रहवां, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ए इलेक्ट्रॉनिक गिटार, बी माउस ऑर्गन, सी सोनोटा, डी कीबोर्ड। आंसर है डी कीबोर्ड। सोलहवां, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, ए माता, बी फुफेरी बहन, सी बहन, डी बुआ। तो आंसर है बी फुफेरी बहन। सत्रहवां, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की, ए माता, बी बहन, सी सास, डी चाची। तो आंसर है सी सास। अठारहवां, एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध, ए माता, बी पत्नी, सी बहन, डी भाई, बी पत्नी। उन्नीसवां, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी, ए मौसेरी बहन, बी भतीजी, सी मौसी, डी मौसेरी बहन। तो आंसर है डी मौसेरी बहन। बीसवां, किसी वृद्ध व्यक्ति को का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है, ए नाती, बी चाचा, सी भतीजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए नाती। इक्कीसवां, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी, डी बेटी है, बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध, ए माँ, बी बहन, सी पिता, डी नाना या नानी। तो आंसर है डी नाना या नानी। बाईसवां, विषाणु चेचक जीवाणु, ए निद्रा रोग, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी छोटी माता। आंसर है बी मलेरिया। तेईसवां, घर रसोई पौधा, ए जड़, बी मिट्टी, सी तना, डी पत्ती, ए जड़। चौबीसवां, यदि विगत परसों से एक दिन पहले एक का दिन शनिवार से तीन दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है, ए बृहस्पति बार, सी शुक्रवार, बी शुक्रवार, सी मंगलवार, डी बुधवार। तो आंसर है बी शुक्रवार।
2025 में यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी आदि वर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? ए शुक्रवार, बी मंगलवार, सी बुधवार, डी बृहस्पतिवार। तो आंसर है बी मंगलवार। 26 में यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? ए बृहस्पतिवार, बी शुक्रवार, सी रविवार, डी शनिवार। तो आंसर है बी शुक्रवार। 27 में यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ए रविवार, बृहस्पतिवार, सी शनिवार, डी शुक्रवार। तो आंसर है सी शनिवार। 28वां विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 24, ए 4 मई, बी 5 जून, सी 9 जुलाई, डी 4 नवंबर। तो आंसर बी 5 जून। 29वां अक्षरों ए सी ई आर में से हर के अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 3 से अधिक। आंसर है सी 3। 30वां उत्तराभूमिक बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर तो दाएं छोर से 22वां है, रितेश ने दाएं का चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ए 35, बी 36, सी 37, डी 34। आंसर है सी 37। 31 एक खास कोड में आर ए आई एल को 5796 लिखा जाता है और टी ए पी ई को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में पी ए आई आर को कैसे लिखा जाता? ए 4795, बी 4785, सी 3795, डी 8795। तो आंसर है 4795 ए। 32वां निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? ए गुलाब, बी कमल, सी चमेली, डी गेंदा। तो आंसर है बी कमल। 33 कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द ई पी आर वाई से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4 से अधिक। आंसर है ए 1। 34वां प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर यूटीबी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी कोई भी नहीं। तो आंसर है बी 2। 35वां निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। ए खाड़ी, बी दीप, सी प्रायद्वीप, डी अंतरीप। आंसर है डी अंतरीप। 36वां निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। ए ध्रुव तारा, बी फ्रेक्स, सी क्रॉक्स, डी नाइकी। आंसर है डी नाइकी। 37वां निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ए मोती, बी हीरा, सी कोयला, डी ग्रेफाइट। तो आंसर है ए मोती। 38 निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ए चंद्रमा, बी ग्राहिका, सी पृथ्वी, डी उपग्रह। तो आंसर है बी ग्राहिका। 39वां निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ए रोगाणु, बी सूक्ष्मदर्शी, सी माइक्रोकोफन, डी सूक्ष्म फिल्म। आंसर है ए रोगाणु। 40वां ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग के संदर्भ संबंध को नहीं दर्शाता। ए मनोवैज्ञानिक मन, बी शरीर रचना विज्ञान शरीर, सी दर्शन भाषा, डी पुरातत्व विज्ञान पूर्वावशेष। थैंक यू फ्रेंड। आंसर है हमारा सी दर्शन भाषा। थैंक यू फ्रेंड।